हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन, और ये हमारे प्रोडक्शन फंक्शन का लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। प्रोडक्शन फंक्शन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो स्केड्यूल के फॉर्म में आते हैं, और उसके अंदर मेजरली टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस आते हैं। कोई एक वैल्यू गिवन होगी, दो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना पड़ेंगे, मिसिंग वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना पड़ेंगी, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फाइन, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको नटशेल में फटाफट से इन तीनों का कंसेप्ट और फॉर्मूलाज बता दूं, ताकि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी हो जाए। फाइन, मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, आउटपुट्स, आउटपुट मीन जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। अब ये आउटपुट या प्रोडक्ट तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें टोटल प्रोडक्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई टीपी, सेकेंड इज वॉट मार्जिनल प्रोडक्ट that is represented by MP, ठीक है, and third one is what average product, और average product represent होता है किससे, AP से, ठीक है। total product जो होता है वो total unit produced होती है, total unit produced by employing total inputs, कितने आपने labor इसमें लगाए तो उससे आपके पास कितनी total units आएंगी, that is called as what total product, fine। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, ये होगा एडिशन ऑन एवरी एडिशनल, एक एक्स्ट्रा आपने इनपुट डाला, एक एक्स्ट्रा इनपुट की यूनिट्स आपने लगाए तो उससे आपकी कितनी एक्स्ट्रा आउटपुट की यूनिट आती है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक, फाइन। और थर्ड होता है एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट मींस पर यूनिट ऑफ इनपुट, कितनी यूनिट्स ऑफ आउटपुट आई है पर यूनिट ऑफ इनपुट, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट जो होता है ये कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट को एन से डिवाइड कर दो तो दैट विल बी अवर व्हाट एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, फाइन। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट पर आओ, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एंथ यूनिट, ठीक है, एंथ यूनिट का अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो इस कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग टीपी, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, टोटल प्रोडक्ट ऑफ एंथ यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट, ठीक है, फाइन। MP हमेशा nth यूनिट का निकलता है और TP हमेशा n यूनिट्स का निकलता है, फाइन। अब देखिए, जो हमारा TP है वो TP हमारा बनता है, इससे भी बन जाएगा और इससे भी बन जाएगा, इसमें भी TP है, इसमें भी TP आ रहा है, तो TP का हमारा फॉर्मूला अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट से बनाए तो इसका फॉर्मूला बनता है समेशन ऑफ MP, मार्जिनल प्रोडक्ट का टोटल करते जाइए तो TP हमारा बन जाएगा, इफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज गिवन, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उनका समेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, फाइन। अच्छा देखिए, इसी फॉर्मूले से अगर मुझे टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो टीपी इज इक्वल्स टू एपी इनटू एन, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट को एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टीपी इज इक्वल्स टू एपी इनटू एन आ जाएगा, फाइन। तो ये हमारा बेसिकली इसके फॉर्मूलाज हैं, और इन्हीं फॉर्मूलाज से हमको क्या करना है, हमारे डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं स्केड्यूल के फॉर्म में आते हैं। हो सकता है एक वैल्यू टीपी दे दी जाए, देन यू हैव टू फाइंड आउट एमपी एंड एपी, या एपी दे दिया जाए तो हमें एमपी और टीपी फाइंड आउट करना है, या कोई भी एक वैल्यू दे देंगे दो वैल्यूज फाइंड आउट करना है, फाइन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर प्रोडक्शन स्केड्यूल गिवन है, वेरिएबल फैक्टर्स आर गिवन, वेरिएबल फैक्टर जीरो से लेकर फाइव तक, वैसे भी हम इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, मीन शॉर्ट रन में पढ़ते हैं, और शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, फाइन। फिक्स फैक्टर तो फिक्स है अपने आप में, वन फिक्स फैक्टर अज्यूम करना है, वेरिएबल फैक्टर्स है जीरो, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, और टोटल प्रोडक्ट गिवन है जीरो एट ट्वेंटी ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी फाइव, मीन जीरो यूनिट पर जीरो तो आता भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप वेरिएबल फैक्टर उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक आपके पास आउटपुट नहीं आ सकता, फाइन। एक यूनिट के ऊपर 8 यूनिट्स, 2 यूनिट्स के ऊपर 20 यूनिट्स, 3 पर 28, 4 पर 28 एंड 5 पर 25, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्यों इंक्रीज और क्यों डिक्रीज होता है, फाइन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, हमें एक तो मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और एक हमको फाइंड आउट करना है क्या, एवरेज प्रोडक्ट। तो लीजिए, ये मेरे पास एक मैंने कॉलम बना लिया किसका, मार्जिनल प्रोडक्ट का, और एक कॉलम मैंने बना लिया इसमें एवरेज प्रोडक्ट का। अब मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है मुझे किससे, टीपी से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, ठीक है, जिस भी यूनिट का हमको मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो उस यूनिट के टोटल प्रोडक्ट में से प्रीवियस यूनिट का टोटल प्रोडक्ट हमको डिडक्ट करना है, ठीक है, फाइन। देखिए, इसमें तो जीरो ही आएगा, फिर हम क्या करेंगे, टीपी
क्या होता है हमारा MP1, जैसे अगर मैं कहूं MP1 is equals to, क्या किसे कैलकुलेट करूंगा, TP1 minus TP1 minus 1 is equals to 0, तो TP1 कितना है 8, TP0 कितना है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 itself, और कैसे निकाला मैंने ये 8 minus 0, फाइन। उसके बाद में सेकंड यूनिट का निकालना है 20 का, तो सेकंड यूनिट का निकालना है मींस सेकंड माइनस फर्स्ट करूंगा, तो सेकंड की वैल्यू क्या है 20, फर्स्ट की वैल्यू 8 है, तो आंसर विल बी 12। थर्ड का कैलकुलेट करना है, वैल्यू 28 है, ऊपर का 20 है, तो आंसर विल बी 8, अगेन 28 माइनस 28 तो मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी 0, और उसके बाद 25 माइनस 28 तो मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी माइनस 3, फाइन। तुम्हारा एमपी का फॉर्मूला बनेगा टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, जो हमने सॉल्व कर लिया। नाउ कम टू लास्ट वन, दैट इज व्हाट, एवरेज प्रोडक्ट, और एवरेज प्रोडक्ट मुझे टोटल प्रोडक्ट से निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा टीपी अपॉन एन, जो टोटल प्रोडक्ट है उसको मैं जितनी यूनिट का है उससे डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। एनीवे तो जीरो, इसका तो जीरो ही आएगा, फिर 8 डिवाइडेड बाय 1, 8 बाय 1 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, फिर उसके बाद होगा 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10, 28 डिवाइडेड बाय 3, 28 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 9.3, ठीक फाइन, अगेन 28 बाय 4, ठीक है 7, और उसके बाद 25 बाय 5, दैट इज व्हाट 5। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हमको टीपी गिवन था और हमें एमपी और एपी हमने अल्टीमेटली फाइंड आउट किया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड, हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट टीपी एंड एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट्स आर गिवन, हमें टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है, फाइन। अब देखिए, जीरो यूनिट पर मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, 1 पर 24, 2 पर 20, 3 पर 16, 4 पर 12, 5 पर 8, इधर 6 पर 0 और 7 पर माइनस 8, फाइन, ये गिवन है। अब हमको इसी से टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट से डायरेक्टली एवरेज प्रोडक्ट ना निकालें, मार्जिनल प्रोडक्ट से पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या टोटल प्रोडक्ट, और टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने बताया समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, फाइन। जीरो पर तो जीरो होगा, अब ये जो आया हमारे पास जीरो प्लस 24, ठीक है, इसकी क्यूमुलेटिव मींस मार्जिनल प्रोडक्ट का हम क्यूमुलेटिव, हम स्टैटिस्टिक्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, ऐसे क्यूमुलेटिव्स कैलकुलेट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट, 0 प्लस 24 विल बी 24, 24 प्लस 20 विल बी 24, ये हो गया 0 प्लस 24 और दैट इज व्हाट 44, कैसे निकाला 24 प्लस 20, ठीक है, उसके बाद 44 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 60, 44 प्लस 16 is equals to 60, फिर 16 में हम प्लस करेंगे 60 प्लस 12 is equals to 72, 72 प्लस 8 is equals to 80, फिर 80 प्लस 0 is equals to 80 अगेन, और 80 माइनस 8 will be what 72, फाइन। तो ये हमारे टोटल प्रोडक्ट आ गए, हमने किससे कैलकुलेट किया बाय यूजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इसी से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे हमारा एवरेज प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एन करना पड़ेगा, तो इसका 24 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 24, इसके बाद 44 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 22, देन 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 20, 72 डिवाइडेड बाय 4 18, उसके बाद 80 डिवाइडेड बाय 5 16, उसके बाद 80 डिवाइडेड बाय 6, तो 80 बाय 6 इज इक्वल्स टू 13.3, और उसके बाद 72 डिवाइडेड बाय 7 इज व्हाट 10.2, तो ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया बाय व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज गिवन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारे मिसिंग वैल्यूज का, मिसिंग वैल्यूज का मींस हमें इसमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ सकती है, इस टाइप का आपका टेबल आएगा, उसमें कुछ वैल्यूज आपको टीपी की गिवन होंगी, कुछ मार्जिनल प्रोडक्ट की गिवन होगी, कुछ एवरेज प्रोडक्ट की गिवन होगी, और हमें उनकी हेल्प से जो मिसिंग वैल्यूज है उन सबको फाइंड आउट करना है। जैसे आप इस शेड्यूल को देखें तो शेड्यूल के अंदर वेरिएबल फैक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 7, ठीक फाइन, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट सिर्फ किसका गिवन है, फोर्थ यूनिट का 25 गिवन है, मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है ज्यादा का सेकंड यूनिट का 8, थर्ड यूनिट का 4, फिफ्थ यूनिट का 5 और सिक्स्थ यूनिट का 0 एंड सेवंथ यूनिट का -4, और एवरेज प्रोडक्ट जो दे रखा है वो सिर्फ यूनिट 1 का दे रखा है, दैट इज 5 टाइम। अब हमें एक दूसरी वैल्यूज की हेल्प से हमें क्या करना है, जहां पर टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है वहां टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, जहां एवरेज प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है उधर एवरेज प्रोडक्ट, और जिधर मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है फाइन। तो चलिए देखते चले इसके अंदर, देखिए जीरो यूनिट के ऊपर
पर तो हमेशा जो वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है, ठीक है। तो ये जीरो जीरो और जीरो, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं, फाइन। अब देखिए फर्स्ट यूनिट के ऊपर क्या देके रखा है, एवरेज प्रोडक्ट देके रखा है, एवरेज प्रोडक्ट दे रखा है, तो एवरेज से टोटल फाइंड आउट हो सकता है, ये रहा, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू एन, तो 5 इनटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 5, 5 इनटू 1 इज इक्वल्स टू 5, और कैसे निकाला इसको, 5 इनटू 1 मार एवरेज प्रोडक्ट से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। चलिए जी ये हो गया। अच्छा फिर उसके बाद मेरे पास फर्स्ट यूनिट की टोटल प्रोडक्ट आ गई, फिर सेकंड यूनिट की मार्जिनल प्रोडक्ट है, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन होता है तो हम उसका क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव। तो हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, 5 + 8 will be what? 13. ये 13 आ गए। फिर मेरे पास सेकेंड यूनिट की टोटल प्रोडक्ट आ गई, थर्ड यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट दिया, तो फिर ऐड कर लूंगा क्यूमुलेटिव निकाल कर, 13 + 4 = what? 17। इसको हम क्या बोलेंगे, 17, ठीक, फाइन। अच्छा यहां पर आकर अटक गया क्योंकि अब मेरे पास नेक्स्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन नहीं है, बट नो प्रॉब्लम, मेरे पास नेक्स्ट का टोटल प्रोडक्ट तो गिवन है। टोटल प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ यूनिट इज गिवन, टोटल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट इज गिवन, फोर्थ माइनस थर्ड कर दूंगा तो फोर्थ यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा, कैसे कैलकुलेट करूंगा, इस तरह से देखिए, 25 - 17, तो 25 में से अगर 17 जाएंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी व्हाट, 8, ठीक है। तो हमारे पास 25 में से हमने 17 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 8। चलो जी उसके बाद फिर सेम टू सेम प्रोसीजर क्या करना है, 25 दिया है, 55 दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल्स टू 30। कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 25 + 5 = 30, फिर उसके बाद 30 + 0 = 30, है ना, और फिर 30 - 4 = 26, 30 + 0 = what? 30 - 4 = 26। चले अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। अच्छा दूसरी बात, फर्स्ट यूनिट के ऊपर हमेशा टीपी एपी एंड एमपी आर ऑलवेज सेम एट यूनिट वन, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहां पर एमपी भी कितना हो जाएगा, 5, और नहीं तो ऐसे देख लो, टीपीएन माइनस 1, 5 - 0 = 5, इसको चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 - 0 = 5, फाइन। अब उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट आ गया, तो फिर तो एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करना कि बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 13/2, यहां पर कैसे कैलकुलेट होगा, ये 13/2, फिर उसके बाद 17/3, 25/4, 30/5, 30/6 एंड 26/7। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करूं कैलकुलेटर के ऊपर तो ये आ जाएगा मेरा 6.5, ठीक है। उसके बाद 17/3 इज 5.6, 25/4 इज 6.25, 30/5 इज व्हाट, 6, 30/6 इज 5 एंड 26/7 इज इक्वल्स टू 3.7। तो ये वैल्यूज हमारी कैलकुलेट हो गई। तो ये हमारा मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन था जिसमें कुछ वैल्यूज गिवन होती है और कुछ वैल्यूज हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। एक मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन और देखें, हमारे पास प्रोडक्शन शेड्यूल है, वेरिएबल फैक्टर्स 0 से 6 तक देके रखे हैं इसमें, 0 से 5 तक एक्चुअली, सॉरी, है ना। और उसके बाद में हमें सेकेंड यूनिट का टीपी गिवन है, फोर्थ यूनिट का टीपी गिवन है, फर्स्ट यूनिट का एमपी गिवन है, थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट का एवरेज प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। चलिए वन बाय वन हम एक दूसरे की हेल्प से वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। देखिए जीरो के ऊपर तो हमेशा क्या होता है, सारी वैल्यू जीरो होती है, और मैंने अभी क्या बताया आपको कि फर्स्ट यूनिट पर टीपी एमपी एंड एपीआर ऑलवेज सेम, तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां हमेशा कह रहे हैं 0 + 4 = 4, चले फाइन। अब मुझे और वैल्यूज कैलकुलेट करना है, मेरे पास टीपी 2 है, टीपी 1 है, तो एमपी 2 निकल जाएगा, तो ये कैसे निकलेगा, 10 - 4, तो 10 - 4 विल बी व्हाट, 6, ये मेरे पास 6 आ गया, ठीक। चलिए अब उसके बाद यहां पर वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास यहां पर एवरेज प्रोडक्ट तो है, एवरेज प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट गिवन हो तो टीपी निकाल सकता हूं, एपी इनटू एन, तो यहां पर हो जाएगा मेरा 6 × 3 = what? 18, ये 18 हो गया, ठीक। उसके बाद में फिर मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखिए हाँ, तो फिर उसके बाद 18 - 10, तो 18 - 10 विल बी व्हाट, 8, ये हमारा 8 आ गया, ठीक। उसके बाद 24 - 18 विल बी व्हाट, 6, 24 - 18 = 6 कैसे होगा, 24 - 18 ये हमारा 6 आ गया, ठीक, फाइन। उसके बाद लास्ट के अंदर मेरे पास फिर एवरेज प्रोडक्ट गिवन है, तो फिर से मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = what? 25, ये मेरा क्या आ जाएगा,
25. ठीक फाइन. अब मुझे अच्छा इसका कैसे निकालूंगा, 25 माइनस 24 विल बी 1, ये 25 माइनस 24 ये मेरे पास 1 आ गया. और एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए तो सिंपल टीपी अगर मेरे पास है तो एवरेज प्रोडक्ट तो बहुत इजीली निकलेगा. कैसे होगा इसका, 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज व्हाट 5, और उसके बाद इधर आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर आ गया. तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे प्रोडक्शन फंक्शन के. शेड्यूल गिवन होता है, टीपी गिवन होता है, एमपी एपी फाइंड आउट करना है, एपी गिवन होता है, एमपी एपी टीपी फाइंड आउट करना होता है, और कुछ मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए. आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे. स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा. और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो उसे अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकेंडरी. थैंक यू.